लिखो, निर्माण कार्य पूर्ण बेटा, उसको लर्न करना है, उसके बारे में बता दूंगा आपको मैं, उसको एज इट इज लर्न करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है आपके फाइनल अकाउंट्स वाला, जो पहला यूनिट है ना, इसमें अभी उसमें 30-13 है, उसको लर्न करना है। कर लोगे आप लोग लर्न? देखो बता देता हूँ क्या करना है। ये बैलेंस शीट में मदे कहाँ आती है कहाँ नहीं, इनको याद रखना है आपको कि मदे यहाँ आती है। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करने, अपने को ध्यान रखिएगा। ये अब वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 13 जो है बेटा, एज इट इज याद करना आप इसको, ठीक है? हाँ, वो तो करना ही है, वो तो अपन पढ़ेंगे जब अपने आप हो ही जाएंगे। ये अपने को याद रखना है इलस्ट्रेशन की, डिप्रेशन किस में आता है, P&L में आता है, बैड डेट्स किस में जाता है, प्रोविजन में जाता है, पढ़ा हुआ है ना अपन ने, तो आप इसको याद रखेंगे। अब हम लोग लिखने वाले हैं, लिखो फाइनल अकाउंट्स का अपना यूनिट नंबर 2, निर्माणकारी संस्थाओं के अंतिम खाते। बेटा सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि निर्माणकारी संस्था होती क्या है। आप एक मोबाइल फोन काम में ले रहे हो, अपने अपने मोबाइल फोन का ब्रांड बताओ भाई, कौन सा ब्रांड है तुम्हारे फोन का? आपने किसी ने रियलमी बोला, किसी ने ओप्पो बोला, किसी ने आईफोन बोला, कोई सैमसंग भी बोल सकता है, नोकिया, लावा, मेरे पास वन प्लस। तो ये जो कंपनीज हैं, इन्होंने खरीद कर बेचे होंगे या इन्होंने बनाए होंगे, ये होती हैं निर्माणकारी संस्थाएं। कौन सी होती हैं? लेकिन जिसके पास आईफोन है, क्या वो कैलिफोर्निया गया था क्या टिकट कटा के 2 लाख रुपए की जाने की? 2 लाख रुपए क्या? बोले क्या लेके आ रहा हूँ? बोले जी 50,000 का आईफोन लेके आ रहा हूँ। ऐसे गया था? जो कंपनीज मोबाइल बना रही हैं, उन्होंने ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर कर बना रखे होंगे, तो आपने अपने इलाके में से मोबाइल खरीदा होगा। तो वो मोबाइल जो खरीद कर बेचने का काम कर रहा था, एकल स्वामित्व वाला व्यापार, उसको तो अपन ने नॉन मैन्युफैक्चरिंग का नाम दिया था, यानी गैर निर्माणकारी संस्था का नाम दिया था। लेकिन जिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अपन बात करते हैं, उन्होंने गुड्स बनाई और बनाकर बेचा, उन्हें कहते हैं इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, निर्माणकारी संस्था। क्या बोलते हैं बेटे? आप किसी फर्नीचर की शॉप पे जाइएगा, दो तरह की फर्नीचर की दुकानें होती हैं, एक केवल जिनका शोरूम होता है, जो बहुत सुंदर सुंदर डिजाइनदार फर्नीचर खरीद कर लाते हैं और बेचते हैं, उसे कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। क्या बोलते हैं? या फिर नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, बोलो जरा। नॉन मैन्युफैक्चरिंग, मैं जो भी वर्ड बोलूँ उसे रिपीट कर देना, ठीक है ना? और जो वस्तु, अच्छा, दूसरे फर्नीचर की शॉप पे जो बड़ा सारा शोरूम होता है, हम कहते हैं ऐसा कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा है सोफे का, क्या मेरे को ऐसा कैसा दूसरा बना के दे सकते हो? बोले हाँ हाँ बना देंगे, हमारे पीछे देखो फैक्ट्री चल रही है। वो फैक्ट्री में लेके जाता है, वहाँ पर वास्तव में लकड़ियाँ पड़ी है, वहाँ पर वास्तव में एक फेविकोल पड़ा हुआ है, कीले पड़ी है, वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो उस प्रकार के व्यापारी को निर्माणकारी व्यापारी का नाम दे दिया जाएगा। ऐसे बिजनेस को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्या बोलते हैं बेटे? बात समझ में आ गई? जो व्यापारी खरीदा हुआ माल बेचता है, वो केवल और केवल बेचे हुए माल का लागत मूल्य ही ज्ञात करता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही ज्ञात करता है, उसी में प्रॉफिट जोड़कर या घाटा खाकर माल को बेच देता है। समझ में आ गई? लेकिन जो व्यक्ति माल या वस्तु का निर्माण करके बेचता है, उसके लिए सबसे पहले बनाई गई वस्तु के निर्माण की लागत ज्ञात करना जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप निर्माण की लागत ही ज्ञात नहीं करेंगे, तो आपको नहीं अंदाजा होगा कि माल मैंने बनाया अगर 10,000 में है, तो और मैं 2,000 का प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, तभी तो 12,000 बेचूंगा ना मैं। मेरे को निर्माण की लागत ही नहीं पता और मैं बेच रहा हूँ 9,000 रुपये में, तो वास्तव में लागत बन कितनी रही थी? 10,000, और मैं राजी हो रहा हूँ 9 में बेच दिया, मैं तो घाटे में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर में बनाई गई वस्तु के निर्माण की लागत ज्ञात करेंगे। बेटे बात समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे इस टॉपिक के हेडिंग की, क्या लिखा हुआ है? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स तो वहाँ पर ही बनाए थे, यहाँ पर भी बनाएंगे। वहाँ पर भी ट्रेडिंग अकाउंट था, P&L था और बैलेंस शीट, यहाँ पर भी क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस। लेकिन यहाँ पर बनेगा एक अकाउंट नया, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, निर्माणी खाता।
समझ गए? सबसे पहले हेडिंग डाल के लिखे आशय, मीनिंग। किससे आशय बेटा? जो हम लोग फाइनल अकाउंट जिस संस्था के बना रहे हैं उसका आशय। निर्माणकारी, निर्माणकारी संस्था से आशय, निर्माणकारी संस्था से आशय ऐसी व्यापारिक संस्था से है, ऐसी व्यापारिक संस्था से है जो कि किसी वस्तु का निर्माण करने के पश्चात, किसी वस्तु का निर्माण करने के पश्चात उसे बेचने का कार्य करती है, उसे बेचने का कार्य करती है, उसे बेचने का कार्य करती है, पूर्ण विराम। ऐसी संस्था द्वारा कच्चा माल, कच्चा माल खरीदा जाता है, उसे उत्पादन की प्रक्रिया में, उसे उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग में लिया जाता है, उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग में लिया जाता है और अर्धनिर्मित माल, और अर्धनिर्मित माल में परिवर्तित किया जाता है, अर्धनिर्मित माल में परिवर्तित किया जाता है तथा इस अर्धनिर्मित माल को पूर्ण निर्मित माल में, पूर्ण निर्मित माल में, इस अर्धनिर्मित माल को पूर्ण निर्मित माल में परिवर्तित करके, परिवर्तित करके विक्रय का कार्य किया जाता है, विक्रय का कार्य किया जाता है, पूर्ण विराम। लिख लिया बेटे? ऐसी व्यापारिक संस्थाओं के, ऐसी व्यापारिक संस्थाओं के अंतिम खातों के रूप में, निम्नलिखित, निम्नलिखित तैयार किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। पहला लिखो निर्माणी खाता, निर्माणी खाता जिसे क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, MANUFACTURING। दूसरा व्यापार खाता जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, तीसरा लाभ हानि खाता यानी कि P&L अकाउंट, और आखिरी में चिट्ठा यानी कि बैलेंस
शीट। ओके बेटे, देखो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट अपने को बनाना आता है बेटा, ये अपन ने प्रश्न प्रश्न बना ही लिया था। अपने वो केवल क्या बनाना सीखना है, तो अपन लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट आज मैं बना के जा रहा हूँ, उस स्टेटमेंट को आप मेरे साथ साथ कॉपी कर लेंगे, कल जब क्लास होगी तो इसके बारे में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, लिखो कॉपी में, एकदम फ्रेश टॉपिक अपन लिख रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके बेटा, सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा मैंने कच्चा माल बोला था ना हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और इसमें से क्या लेस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बेटे जो राशि निकल कर आती है उसे नाम दिया जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उपयोग में लाए गए कच्चे माल की लागत, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अभी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कल मैं पूरा समझाऊंगा इसके बारे में, अभी अपन लोग लिख लेंगे। ठीक है बेटा, इसमें ऐड करेंगे हम लोग डायरेक्ट वेजेस, प्रत्यक्ष रूप से दी गई मजदूरी। ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस की राशि ऐड करने पर जो राशि निकल कर आएगी उसे हम नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट का, मुख्य लागत, उत्पादित वस्तु की मुख्य लागत, प्राइम, PRIME, प्राइम कॉस्ट। लिख लिया बेटे यहां तक, इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री के ऊपरी व्यय, मतलब प्रोडक्शन में मटेरियल वेजेस और एक्सपेंस के अलावा और जो खर्चे हो सकते हैं उन खर्चों को नाम दिया जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर इन्हें बोलते हैं इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। आपने एक छोटी सी बात तो जरूर नोट की होगी कि प्राइम कॉस्ट में मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया बेटा, तो वो तो प्राइम कॉस्ट का भाग हो गया। तो प्राइम कॉस्ट के अलावा जो अन्य खर्चे थे
जो डायरेक्ट नेचर के नहीं थे, अरे उनका भी तो संबंध वस्तु के उत्पादन से ही था ना बेटे, उसे भी तो उत्पादन की लागत का भाग माना जाना चाहिए। तो अपन उन इनडायरेक्ट एक्सपेंस को किस में जोड़ देंगे, प्राइम कॉस्ट में। तो जो राशि निकल कर आती है उसे ही, अभी लिखना नहीं, उसे हम लोग नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। क्या नाम देते हैं? लेकिन सबसे पहले अपने से लिखेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। फिलहाल अपने से क्या नाम दिया? फैक्ट्री कॉस्ट। इस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ WIP, ध्यान से सुनिए, कच्चे माल का नाम बोला था मैंने, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। मैंने अर्ध निर्मित माल भी बोला था ना, इसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, अर्ध निर्मित माल, जो माल पूरी तरीके से बना हुआ नहीं है। कच्चे माल से कन्वर्ट तो होकर प्रोसेस में आ गया, लेकिन अभी तक पूर्ण तरीके से तैयार नहीं हुआ। फैक्ट्री कॉस्ट में ये वाली राशि ऐड करेंगे, जो राशि निकल कर आएगी उसमें से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ WIP लेस कर देंगे, तब जाकर जो राशि निकल कर आती है उस राशि को नाम दिया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर कौन सी कॉस्ट बेटा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लिख लिया यहां तक? सारा डिस्कशन कल करेंगे। एक लाइन छोड़कर नीचे लिखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होता है, ठीक उसी प्रकार से किसका फॉर्मेट होता है? छोटा सा फर्क यह है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में अमाउंट कॉलम के साथ साथ यूनिट का भी कॉलम आ जाता है। यूनिट मतलब जितनी इकाइयों का अपन क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स और अमाउंट। ओके बेटे, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP से। यदि प्रश्न में यूनिट के बारे में गिवन होगा तो जो यूनिट होगी उसे यूनिट कॉलम में डाल दिया जाएगा, और उसकी जो राशि गिवन होगी वो राशि के कॉलम में आ जाएगी। फिर उसमें लिखेंगे टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उपयोग में आया हुआ कच्चा माल। रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद में लिखेंगे टू डायरेक्ट वेजेस, ओके बेटे। डायरेक्ट वेजेस के बाद में लिखेंगे क्या, शाबाश। मतलब आपको ये सामने आ रहा है कि जो अपन ऊपर प्लस 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 कर रहे थे वो सब कहाँ आएंगे, डेबिट में, और जो माइनस किया वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट। टू डायरेक्ट एक्सपेंस और टू फैक्ट्री या फिर
इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिट में सबसे पहले क्या लिख लेना? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। WIP का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। जो इकाइयां पूर्ण तरीके से नहीं बन पाई उसे क्या नाम दे दिया? वर्क इन प्रोग्रेस। ओके बेटे, बाय इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे बाय प्रोडक्ट। ये बाय प्रोडक्ट क्या होता है ये हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बहुत ही छोटी सी बात है। बाय इन्वर्टेड कॉमा में बाय प्रोडक्ट। बेटा जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट या P&L अकाउंट का कोई रिजल्ट आता है तो अपन उसे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोलते हैं, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो बैलेंस आता है उसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से निकाल कर कहाँ डाल देते हैं? ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग अकाउंट में डालना मतलब ये वो इकाइयां हैं जो अपन ने इस साल बनाकर तैयार कर दी है और अब हम इसे बेचने का काम करेंगे। बेटा बेचने का काम होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, याद है सेल्स लिखते हैं। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट में आप राशि ट्रांसफर कर रहे हो ना बेटा, ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर इस साल में बनाई गई इकाइयों का मूल्य। आप जब टोटल लगाएंगे तो केवल टोटल किसका लगाएंगे? अमाउंट का, ना तो यूनिट का बैलेंस लगाएंगे और ना ही उसका टोटल लगाएंगे, क्योंकि जो यूनिट कॉमन है वो तो खाली सूचना के लिए दिया गया कॉलम है। तो बेटा आज जो बचा हुआ समय था हम लोगों ने उसमें थ्योरी का इम्पोर्टेंट पोर्शन कवर कर लिया। कल आप लोग ये कॉपी साथ लेकर आना जरूर, और अगर मुझे ये नोट यहाँ मिला तो इसमें से देख के बताऊंगा, वरना मैं बोलता जाऊंगा और आप अपने कॉपी में देखते चले जाना। ठीक है बेटा, जो भी अपन ने आज पढ़ा, जो भी थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया, चलो बाकी की पंचायती कल।